हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वीएस कोड हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें हम किस तरह मुख्तलिफ फाइल्स बना सकते हैं। वीएस कोड फ्री ओपन सोर्स आईडी सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में लॉन्च किया था। वीएस कोड एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो मैक्स लिनक्स के लिए यूज होता है। वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि हम वीएस कोड को हम किस तरह हमें इसे यूज़ करना है और किस तरह हम इसमें फाइल बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम वीएस कोड में एक फोल्डर बनाएंगे, लाइक मैं इधर बनाता हूँ न्यू फोल्डर। सही है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो इधर आएगा ओपन विद कोड। तो मैं इसको जिस तरह ओपन करूँगा तो ये फोल्डर हमारे पास ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद हमारे पास वीएस कोड कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो जो फोल्डर हमने बनाया था उधर वो हमें ये दिखा रहे हैं, फोल्डर टू का नाम था। तो जिस तरह हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह ये एक फाइल आएगा, फिर एक फोल्डर के निशान आएगा, ये रिफ्रेशमेंट के लिए है। इसको हम इस यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर मतलब हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम इस तरह कुछ कर सकते हैं। मतलब ये क्लिक करके ये हमें सर्च देता है और ये जब इसको छोड़ दे ये रिपोजिटरी के लिए गिटहब के लिए होता है। और ये एक्सटेंशन है वीएस कोड, ये एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरह काम कर, जिसमें हम अगर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्सटेंशन डाउनलोड कर, जो सिर्फ जैसे मैंने इंस्टॉल की, फिर मैंने एक लाइव सर्वर इंस्टॉल किया है .html। तो ये हमारे पास एक HTML फाइल बन जाता है जो कि इस आइकन से हमें पता चलता है कि HTML फाइल इसमें यूज होगा। अगर मैं इसमें सिर्फ वन द क्लिक करूँगा या प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक एमिट एब्रीवेशन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ओपन होगा। मैं इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक बॉयलर प्लेट बन जाएगी, सिंपल सा। अगर ये काम मैं नोट पैड में करता था तो हमें मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है। पहले हमें अगर इस तरह मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं और फाइल बनाऊँ तो मैं वीएस कोड में सिंपल बना सकता हूँ, लेकिन मैं बनाता हूँ CSS का फाइल index.css। डॉट के बाद हमें ये CSS इतना इसलिए लिखना पड़ता है कि ये हमें बताता है कि ये CSS का फाइल है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक और फाइल लिखूँ index.js, जावास्क्रिप्ट में फाइल लिखता हूँ, तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं लाइक। और अगर ये सोचे अगर ये काम हम नोट पेड में करते तो हमें इसके लिए अलग फाइल बनाना पड़ता है, अलग अलग फाइल बनाना पड़ती है। तो ये हमें कितना ईजी कि हम इसमें इजी काम कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आते हैं एक्सटेंशंस। वीएस कोड एक्सटेंशन जो है ना, ये एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरह काम करते हैं। सही है, एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास सिंपल वेब डेवलपिंग के लिए हमारे पास एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन की जरूरत होती है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, आप लोग भी इंस्टॉल कर ले मेरे साथ साथ। अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब ये हमारे कोर्स काम नहीं है, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मैं लिखूँ, अगर मैं चाहता हूँ डेफ, उसमें मैं एक H1 टैग लगाऊं और डेवलपर, तो आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इसको सेव करूंगा, अगर H1 टैग में मैं लिखूं माय नेम इज डेवलपर, और अगर हमने ये लाइव सर्वर इंस्टॉल किया है जो कि एक एक्सटेंशन है, जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक्सटेंशन है, तो हमारे पास इधर आएगा गो लाइव। अगर मैं इस गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। देखो मैंने लिखा था माय नेम इज डेवलपर, तो डेवलपर सॉरी डेवलपर का नाम स्पेलिंग गलत है, सॉरी डेवलपर। तो मैं जिस इसको सेव करूंगा तो आप लोग देखोगे कि डायरेक्ट इधर डेवलपर आ गए। तो हमें यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत, नोटपैड में हम इस तरह रिफ्रेश करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि इस टाइटल का नाम चेंज करूँ इस टाइटल का, तो मैं इसको कुछ इस तरह कर सकता हूँ, लिखूंगा डेवलपर, फिर से स्पेलिंग। हाँ ये देखो हमें सजेशन भी दे रहा है, तो इस तरह हम कुछ इस तरह ये लिख सकते हैं। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, सॉरी मैंने तो सेव नहीं किया हुआ है, अगर मैं इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास देखो मैंने इधर रिफ्रेश भी नहीं किया, लेकिन वो नाम चेंज होगा डेवलपर। तो ये भी है कोड और एक सर्वर जो कि मैंने हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, इसका कमाल है। तो चलिए और भी वीएस कोड के बारे में, अगर मैं इंडेक्स डॉट लेट सपोज अगर मैं इसको स्टाइलिंग देना चाहता हूँ इंडेक्स डॉट लेट डेफ को, तो लाइक मैं इधर देना चाहता हूँ, इधर भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक मैं दे सकता हूँ डेफ, लाइक मैं दूंगा
कलर दूंगा अगर, ये देखो मैं सजेशन दे, मैं इसको कर लूंगा दूंगा रेड, और मैं जिस जैसे ही सेव करूंगा तो मेरे पास इधर कलर देखो रेड हो गया। जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारे पास लाइट सपोज मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ सोल, लाइक मैं लॉग लिखूंगा तो हमारे पास कंसोल आएगी। और मैं इस तरह नहीं चाहता, इस तरह चाहता हूँ कंसोल में लिखो, तो हमारे पास सजेशन भी आ रहा है, लिख लो और इधर पेरेंथेसिस लो, लाइक मैं इधर लिखो सिंगल कोटेशन भी तीसरे डबल लिखे, हम सिंगल डबल कोटेशन देंगे, लिखो माई नेम इज डेवलपर और मैं सेव करूंगा। लेकिन ये देखिए ये एक अलग अलग फाइल है, पहले हमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को इधर बॉडी के नीचे स्क्रिप्ट में लिखेंगे, इस फाइल को हम लगाएंगे तो वो हम इस तरह लगा सकते हैं इंडेक्स सोर्स इंडेक्स चेस। तो देखते हैं ये हमें शो होता है कि नहीं, अगर हम इंस्पेक्ट में आएंगे तो कंसोल में देखेंगे तो देखिए माय नेम इज डेवलपर जावास्क्रिप्ट, ये एचटीएमएल फाइल के पास जो हमारा दूसरा जावास्क्रिप्ट फाइल है ये एचटीएमएल के फाइल के साथ कनेक्ट हो गया। अगर मैं इधर लेट सपोज अगर इधर मैं एक पोर्ट एक्सटेंशन अगर ये गियर आइकन है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास सेटिंग सेटिंग में ये यूजर होगा और पेज होगा। यूजर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अगर हम चाहते हैं कि हमारे हमारे एक खास मखसूस मखसूस प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसके लिए हम ये मतलब चेंज जो चेंजेस हम करेंगे तो सिर्फ उसी के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए होगा, बाकी किसी और प्रोजेक्ट के लिए नहीं होगा। अगर ये हम मतलब हम यूजर में चेंज करेंगे जो कि मैंने पहले से कर रखी है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा जो कि जैसे जो चेंजेस मैंने कर रखी है वो हमें यहाँ पर शो होंगे। और अगर हम चाहते हैं मतलब एक हम एक होती है ना एक प्रोवाइड हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं या हम कहते हैं पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अगर मतलब हम बार बार इसमें चेंजेस ना करना पड़े बस वही की वही रहे तो वो वर्क स्पेस में होगा और वो भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी चेंजेस लाइट में चेंज करता हूँ वर्क स्पेस में ऑटो मैं इसको ऑन करके रखता हूँ तो चल देखते हैं कि ये वाला है। देखो उस पहले empty था अब ये ऑन हो गया। तो इस तरह हम कर सकते हैं वर्कस्पेस हम पूरे मतलब पूरे प्रोजेक्ट पूरे जो है वर्कस्पेस और जो यूजर है सिर्फ अपने एक प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।